नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे पे। दोस्तों 6 अप्रैल ये डेट को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये डेट जरूर याद आएगी। टाटा मोटर्स ने इस दिन अनवील किया है कॉन्सेप्ट SUV कर्व। जी हाँ दोस्तों, इसके लुक में अगर हम गए तो इसका लुक काफ़ी बेहतरीन दिया गया हुआ है, और इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगा कि इसका लुक अच्छा नहीं लगा तो कंपनी को उसमें थोड़ा और काम करना था। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि आप कितने दिन तक के ICE इंजन पर काम करोगे, कुछ तो और नया टेक्नोलॉजी दिमाग लगा लो, क्योंकि टाटा मोटर्स हमेशा से ही अपने इंजन को ही लेकर मार खाते नजर आती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद अपना कुछ और ही है। जी हाँ, आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, भी कुछ ऐसा वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं, बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन आपको देना था। टाटा मोटर्स के यूजर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है, और आने वाले दिनों में भी, और आने वाले जो यूजर हैं जो अभी नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स ने प्लान किया है कि 24,000 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है पैसेंजर व्हीकल में। दोस्तों ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि आने वाले दिनों में इसके प्रोडक्शन लाइनअप और भी काफी तेज नजर होते आएगी। काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लेन हो गया था टाटा मोटर्स से, क्योंकि डीलरशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया रिस्पॉन्स देते हैं उनको, और अगर हम यहीं पे सर्विस की बात कर लें तो सर्विस को भी लेकर काफी सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, दूर का डोल हमें सुहाना लगता है, हमें काफी सारे गाड़ियों में लगता है कि ये भी अच्छी होगी, लेकिन ये दोस्तों ये सब पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे डीलर के ऊपर। तो दोस्तों जो हम आज आपको ये बात बताने वाले थे वो यही था कि 24,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करने जा रही है टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल में। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज होने की वजह से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स झेली है, और 5 महीने के आसपास की बैकलॉग चल रही है टाटा पंच में। आपके अगर टाटा पंच को देखें तो टाटा पंच के काफी सारे लोगों को ये लगता था कि जल्द से जल्द उनके गाड़ी हाथ में आ जाए, और अभी भी 6-6 महीने तक के वेट कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अभी तक के मिल भी नहीं पा रही है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ी अब ज्यादा दूर है नहीं, क्योंकि कंपनी ने जैसा प्लान किया है प्रोडक्शन को ग्रो करने का, अपने पुणे बेस और गुजरात बेस की अगर बात करें तो वहां पे भी गाड़ी बनाने के प्रोडक्ट लाइनअप काफी तेजी से बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आने वाले दिनों में प्रोडक्शन काफी तेजी से काम करेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सेल को 12,000 से ग्रो करके 42,000 तक के पहुंचा दिया है, वो सब भी आप ही के मदद से हुआ। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी को ये वीडियो बताने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा लीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।